पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो रिलेशनशिप है, जहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो, DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT, ये हमने निकाला था। और इस रिलेशनशिप में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर समझा सकते हैं, और इनके चेंज की वैल्यू भी हमने निकाली थी। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन वर्क फंक्शन, एंड द वैल्यू इज -PdV -SdT। तो हमें ये इक्वेशन निकालनी है, और हमें ये देखना है कि चेंज इन हेलमंट्स फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उससे पहले पुरानी बातें रिकॉल कर लेते हैं। तो एक डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, परिभाषा पे फोकस करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, क्योंकि फ्री एनर्जी दो तरीके से हमें स्टडी करी है। एक है गिब्स फ्री एनर्जी जी, और एक है हेलमंट्स फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय ए या एफ से बताया जाता है। जो जनरल फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, और हेलमोट्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी में एच एंथाल्पी है, टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है, और हेलमंट्स फ्री एनर्जी में ए वर्क फंक्शन, जिसे हेलमोट्स फ्री एनर्जी फंक्शन भी बोलते हैं, ई इंटरनल एनर्जी, टी और एस क्या है आपकी एंट्रोपी है। सो अगर किसी स्टेट चेंज में हम इस फॉर्मूले को देखें, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच या डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। उसी तरीके से स्टेट चेंज में हम हेलमंट्स फ्री एनर्जी के फंक्शन को देखें, तो वो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई माइनस टी डेल एस होता है। सो हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी अगर बोला जाए, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक यहाँ पे मैंने लिख रखी है, आप देख सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी इज द अवेलेबल एनर्जी टू डू नॉन एक्सपेंशन और नॉन पीवी वर्क इन अ थर्मोडायनेमिकली क्लोज्ड सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूजफुल वर्क और प्रोडक्टिव वर्क। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी वह अवेलेबल एनर्जी है जो किसी ऐसे वर्क को करवाने में लगता है जो कि नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है, जो पीवी वर्क नहीं होता, ठीक है। और ये थर्मोडायनेमिकली क्लोज सिस्टम में कराया जाता है, और उस समय जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, तो इट रिजल्ट इनटू सम प्रोडक्टिव आउटपुट, ठीक है। और अगर हम हेलमंट्स फ्री एनर्जी की बात करें, तो ये मैक्सिमम वर्क अगर कोई सिस्टम करता है तो वो हेलमंट्स फ्री एनर्जी कहलाती है, पर यह वर्क जो भी हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हेलमंट्स फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट कैन बी टेकन आउट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मोडायनेमिकली क्लोज्ड सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और पिछले लेक्चर में हमने इसको निकाला था, इस रिलेशनशिप को निकाला था कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी प्रेशर और चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या होगी। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन हेलमंट्स फ्री एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम देख सकते हैं डेल ए इज इक्वल टू, अगर हमने डेल ए लिखा है तो यहाँ पे भी डेल होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन राइट डी डी ए इज इक्वल टू -PdV -SdT। तो हम देखते हैं हमारा इक्वेशन, अब इसको हमें प्रूफ करना है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें चेंज देखना है हेलमंट्स फ्री एनर्जी, हेलमंट्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एग्जाम में खासकर ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ हेलमंट्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फाइंड द आंसर। सो यू हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप। आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी, फिर इससे आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ इसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे करना है। हमको जनरल फॉर्मूला पता है, ए की वैल्यू क्या होती है, ई माइनस टी एस, ठीक। अब अगर मान लीजिए बहुत छोटा सा चेंज है, फॉर इनफाइनाइटिजमल स्मॉल चेंज, मतलब बहुत छोटा सा चेंज, ठीक है, तो उस समय हम इस चेंज का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें, कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले हमने क्या करा, टेम्परेचर कांस्टेंट किया, एंट्रोपी को चेंज किया, और फिर यहाँ पर पे आप देख सकते हो एंट्रोपी को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को
चेंज किया। तो ये पूरा इक्वेशन कहलाता है कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन, किसका, ई ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस का। इसको अगर हम वन नाम दे दें तो ये आपका नाम टू लिख सकते हो। अब फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट लॉ का बायो सिस्टम के हिसाब से फॉर्मूला क्या है अपना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स सेज dE इज इक्वल टू dQ माइनस dW, डिफरेंशियल फॉर्म में। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको dE की, अब dE की वैल्यू को आप कहां डालेंगे, इक्वेशन नंबर टू में। सो पुट थ्री इन इक्वेशन टू। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो आपका बनेगा dA इज इक्वल टू dQ माइनस, वॉट इज द वैल्यू फॉर dW, PdV। तो आप उसको लिख सकते हैं सेकेंड स्टेप में, नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ये फोर्थ हो गया। अब अपन को पता है dQ की वैल्यू होती है, बट वी नो, हमें क्या पता है dQ बराबर क्या होता है, TdS। भाई एंट्रोपी का इक्वेशन है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dQ अपॉन T होता है, तो dQ की वैल्यू निकल गई। अब और वर्क की वैल्यू हमें पता है क्या है, PdV वर्क है। तो ये दो वैल्यूज हमें पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें जो क्या थी, dA इज इक्वल टू dQ माइनस dW माइनस TdS माइनस SdT, ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी इसमें हम dQ की वैल्यू जो कि हमारा TdS आई थी और dW की वैल्यू जो PdV होती है, इन दोनों वैल्यूज को, जिसको हम मान लीजिए ये B है, तो इसको यहाँ फोर्थ में पुट करेंगे, तो पुट B इन फोर, therefore हमारा इक्वेशन हो जाएगा dA इज इक्वल टू dQ की जगह पे TdS आ जाएगा, dW की जगह पे PdV आ जाएगा, माइनस TdS आ जाएगा, SdT आ जाएगा। दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन। नाउ यू कैन सी द कॉमन वैल्यूज विच आर कैंसलिंग, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, एनीथिंग एल्स, नो। तो dA इज इक्वल टू माइनस PdV माइनस SdT हमारा आंसर आ गया। हम ये इक्वेशन ले आए, हमने ये रिलेशनशिप निकाल लिया कि चेंज इन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू माइनस PdV माइनस SdT, हमारा क्वेश्चन यही था। अब हमें देखना इंडिविजुअली कि टेम्परेचर चेंज करने पे क्या हो रहा है, मतलब अगर हम एक को कांस्टेंट कर दे रहे वॉल्यूम को तब हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए मैं फिर से लिख देती हूँ, dA इज इक्वल टू माइनस PdV माइनस SdT। नाउ हमें पता है एट कांस्टेंट, हमने क्या करा, कंडीशन लगाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV की वैल्यू हो गई जीरो, देयरफॉर PdV की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो dA की वैल्यू क्या हो गई, माइनस SdT हो गई। तो जब ये वैल्यू हो गई माइनस SdT, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, लाइक dA अपॉन dT एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस S, ये रिलेशनशिप आ गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो dA अपॉन dT की वैल्यू होती है वो माइनस S के बराबर होती है। अब एंट्रोपी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो वी नो दैट कि एंट्रोपी जो है S इज ऑलवेज पॉजिटिव। S क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। इफ S इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है, सो हियर द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। पहले तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक होने की वजह से वर्क फंक्शन जो कि A है डिक्रीजेस, है ना, नेगेटिव का साइन है, वर्क फंक्शन डिक्रीजेस विथ रेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वर्क फंक्शन घटता है। और एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव इट कैन बी, तो नेगेटिव को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, इफ वी वांट टू वी कैन टेक दिस। तो इस इक्वेशन का मतलब ही ये निकल के आता है कि एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ सिस्टम बट फॉर अ प्रोसेस, बट इफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज देयर, अगर कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है
तो वहां वर्क फंक्शन की एनर्जी या वर्क फंक्शन हमेशा कम होगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर गैसियस सब्सटेंस है तो उसमें चेंज इन वर्क फंक्शन की वैल्यू हमेशा कम होगी कंपेयर टू सॉलिड की, है ना, क्योंकि सॉलिड में हमेशा क्या होगा, वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहनी है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ये यहाँ पे जा सकता है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी भी हम कह सकते हैं। तो उसका मतलब यही निकल के आता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क फंक्शन डिक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। तो ये एक रिलेशन निकल के आता है जब हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं, जब हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन देखते हैं। ठीक, सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, सेकेंड कंडीशन है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वापस से रिकॉल करिए, हमारी इक्वेशन थी डी ए इज इक्वल टू पी डी वी माइनस एस डी टी, ये हमारी इक्वेशन थी। हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट किया मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, जीरो। प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल। पहले केस में क्या था, प्रोसेस आइसोकोरिक था, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है आइसोकोरिक, द प्रोसेस वॉज आइसोकोरिक। ठीक है, यहाँ पे आइसो थर्मल हो गया। अब आइसोथर्मल होने की वजह से क्या हो गया, एस डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देयरफॉर अब एस डी टी की वैल्यू जीरो गई क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो डी ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस पी डी वी के बराबर हो गई, हो गई। अब ये हमारा इक्वेशन निकल के आया है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे एंड वी कैन राइट ए वन से ए टू पे लिमिट कर रहे हैं हम, डी ए दैट इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम वी वन से वी टू दैट इज पी डी वी लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका ए टू माइनस ए वन, और इसको अपन हम डेल्टा या वी कैन राइट डेल्टा ए एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, एंड अगेन वी नो दैट वी आर इंटीग्रेटिंग वी वन टू वी टू। अब हमें पता है P की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, आइडियल गैस के हिसाब से क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT, तो P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू हो गई NRT अपॉन V, तो हम लिख सकते हैं NRT अपॉन V dV, वी कैन राइट लाइक दिस। अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, डेल A की वैल्यू किसके बराबर क्या हो गई, माइनस, अब कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल देंगे, NR और T को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर पे क्या हो गया, V1 V2 dV अपॉन V हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, डेल A इज इक्वल टू ln में कन्वर्ट कर दीजिए, NR2 ln V2 अपॉन V1 हो गया यहाँ पे। अब ln हटाया, log लगाना है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन दूसरा, माइनस तो रहेगा ही, माइनस 2.303 NRT log V2 upon V1, ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आ गया आइसोथर्मल कंडीशन में, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए या कंडीशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन। और अगर हाँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो V2 upon V1 है, इस माइनस को मुझे हटाना है, मतलब चाहू मैं अगर ना लगाना चाहूँ तो मैं आंसर इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2.303 RT log V1 upon V2 हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो ये हो गया। उस समय आप माइनस मत लगाइएगा जब आप V1 अपॉन V2 लिख रहे हैं, और अगर आप माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पे log V2 अपॉन V2 ही रहेगा, V2 अपॉन V1 ही रहेगा। तो ये हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया, पहले हमने देखा कि डेफिनेशंस क्या हैं इसकी हमने देखा, और देन हमने इस रिलेशनशिप को, क्योंकि पहला वाला रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो इस रिलेशनशिप को अब हमने निकाला है यहाँ पर पे। और ये रिलेशनशिप, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर वन का यहाँ से, कि चेंज ऑफ हेलमंस फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ एंड तक। ओके,